नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएससीएल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बीसी एंड ईबीसी जो है दोनों के लिए फॉर्म निकल चुके हैं, पिछड़ा वर्ग एंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मोबाइल से आज आपको बताऊँगा कैसे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 PMS ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 12/6/2023 से स्टार्टिंग है, 15/7/2023 की लास्ट डेट रखी गई है। अभी सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है। अभी आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर बीसी एंड ईबीसी, इस पर सामने क्लिक लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल चुका है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डेस्कटॉप साइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जाति आपका आधार कार्ड नंबर लगने वाला है, जाति निवास आय प्रमाण पत्र बैंक की काफ़ी ये सब कुछ आपको लगने वाली है, तो आप सब चीज़ तैयार रखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है सब पे टिक कर देना है। सब पे टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं आप, इस तरह का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नाम ऑफ स्टूडेंट, नाम स्टूडेंट का नाम डालना है, उसके बाद पिता का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको जेंडर चुनना है, मेल है या फीमेल है वो आप चुन लेंगे। उसके बाद मैरिड स्टेटस देख लेगा आप, मैरिड है अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कास्ट चुननी है, जो भी आपकी कास्ट है, बीसी है ईबीसी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद गेट ओटीपी ईमेल आईडी पे क्लिक करना है, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। इस तरह आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। अब आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपकी आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, ईयर लास्ट की जो ईयर है, उसके बाद नाम एंड पर आधार आपको नाम डालना है, जो आधार कार्ड में जो नाम है आपका वही यहाँ पर आधार जो है नाम डालना पड़ेगा। या ये सब कुछ डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना है। ये सब कुछ कर लेगा, उसके बाद आपको ये वाला कैप्चर यहाँ पे नोट कर देना है। नोट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो है नाम भी डाल दिया, पापा का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल वो डाल दिया, जेंडर चुन लिया है अपना, मैरिड है इनमैरिड है वो भी चुन लिया, उसके बाद ईमेल आई डी भी वेरीफाई कर लिया, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लिया मैंने, उसके बाद आधार कार्ड नंबर दे दिया है, उसके बाद डेट डाल दिया अपनी, उसके बाद नाम डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला कैप्चर डालना है, ये वाला कैप्चर डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अभी आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, अभी आप देख सकते हैं। तो पहले मैं इसे वेरीफाई करता हूँ आधार कार्ड को। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों अकाउंट नंबर वगैरह ठीक से डालना, गलती ना हो जाए, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। दोस्तों जैसे ही आप अकाउंट नंबर की डिटेल डाल देंगे, अभी आपको यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र का जो है डिटेल डालनी है, जैसे RO इशू वाई, उसके बाद सेल्फ आ जाएगा आपका, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो होता है आपका BRCC होता है, उसके बाद आपने कब जारी किया है वो आप डाल देंगे, जैसे मेरा 23 में जारी हुआ है, और उसके बाद अपना नंबर डाल देंगे जो भी आपका नंबर है। अब आपको यहाँ पे इशू डेट डाल लिया उसकी, कब आपकी जो है डेट इशू हुई है, तो मैं जनवरी में मेरा जो है बना है, तो मैं 30 जून को मेरा बना था। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र डाल दिया। अब आपको जो है आय का प्रमाण पत्र डालना है, RO चुनना है। RO चुनने के बाद आपको क्या करना है, या हस्बैंड का है, सेल्फ है जो है वो आप चुनेंगे, या अगर आपका अपना है तो आप जो है, तो अगर हस्बैंड का है तो हस्बैंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये आ जाएगा, उसके बाद 2023 चुन लेंगे जब आपका जारी हुआ है। अब आपको यहाँ पे जो है नंबर देना है अपना, जो भी आपका नंबर है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नाम डालना है, किसके नाम से है, अगर आपको सेल्फ है तो आप इसे करोगे सेल्फ करेंगे तो ये नंबर नाम नहीं मांगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेल्फ नहीं करेंगे तो यहाँ पे नाम मांगेगा। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि डालनी है आपको, जो भी आपको प्रमाण पत्र की जारी तिथि है,
तो मैं डाल देता हूँ, मेरा 30 जनवरी को हुआ था। अब आपको जो है यहाँ का आय डालनी है, कितनी आपकी आय है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र विवरण, यहाँ पे आपको जाति के लिए भरना है, तो आरओ चुनना है, सेल्फ चुनना है। अब आपको बीसीसीओ आ जाएगा, उसके बाद आप कब जारी हुआ था वो डाल देंगे, और जो है नंबर डाल देंगे आप अपना, जो भी आपका नंबर है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है जाति प्रमाण जारी करने की तिथि डालनी है, जब आपका जारी हुआ था। तो मेरा 30 जनवरी में जारी हुआ था। अब आपको सब चीज़ ये भर लेना है जो जो मैंने बताया, आवासीय का प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। ये तीनों भरने के बाद आपको अगर अपना जाति वगैरह नंबर डालकर अच्छे से, जब आपको लगा सब कुछ ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर पर, तो जैसे दोस्तों जैसे आप बिफोर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है आपका प्रीव्यू आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे अपना फॉर्म प्रीव्यू के लिए। जब आपको लगा दोस्तों सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, दस्तावेज पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो है पीडीएफ में अपलोड करना है जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, तीनों अपलोड करना है। मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, पीडीएफ में आपको अपलोड करना पड़ेगा तीन दोस्तों। जैसे आप तीनों चीज़ अपलोड कर लेंगे पीडीएफ में, अभी मैंने तीनों चीज़ अपलोड कर ली है, आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप सेव पे क्लिक कर देंगे, अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव बीन सक्सेसफुल। अभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी आपके नंबर पर जो है 15 या 10 दिन में आपकी जो है ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर एक जो है मैसेज भेजेंगे, तो उसमें आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है दूसरा स्टेप जो है कर पाएंगे। अभी आपको फर्स्ट स्टेप हुआ है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल के द्वारा आप अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लीजिए, और जैसे ही आपका मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन और यूजर आईडी एंड पासवर्ड आता है, तो आप जो है सेकेंड स्टेप इसका पूरा कर पाएंगे। तो आप फर्स्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका ये एकदम नहीं मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड, कुछ दिन बाद मिलेगा, 2-4 दिन बाद मिलेगा या 10 दिन बाद मिलेगा। तो पहले आप अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट आप कंप्लीट कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, इन्होंने साफ लिख रखा है आपका आवेदन पूरा नहीं हुआ, कृपया विवाह सत्यापन की परीक्षा करें। विवाह सत्यापन के बाद आपको आपके पूरा करने के लिए आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर उपयोग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा, या ऑनलाइन रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आता है, तो आप फॉरगेट करके भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है देख सकते हैं। ये प्रक्रिया बैंक से सत्यापन के पश्चात आपके द्वारा फाइनेंस पश्चात के ही पूरी की जाएगी, अन्यथा आपका आवेदक रद्द या अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आइए, आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसे कैसे मैंने आपको बताया बिहार का जो बीसी एंड ईबीसी वालों का जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके दिखाया। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने से थोड़ा मोटिव बढ़ता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको चैनल का नाम पता ही है मेरा, CSCL जॉब्स ऑनलाइन है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस पर मिलती रहती है एजुकेशन से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें।